प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन करते जाइए। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में है। इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था। और भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, या फिर गुहार माता, गौहर माता, कुछ भी लिखा आ सकता है, ये गुजरात में है। आप इनको मैप में भी देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसे उत्तरी अक्षांश इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रवालद्वीप समूह है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप भारत का एकमात्र प्रवालद्वीप समूह है। प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बनते हैं, इन्हें पॉलिप्स कहते हैं, और इनमें चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है? आप इंग्लिश में रीड कीजिए और ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंबन चैनल। ये बस आपको एक फैक्ट की तरह याद रखना है। नेक्स्ट है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आंसर दीजिए और इंग्लिश में आप स्वयं रीड कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। ये सिर्फ इसी तरह से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डंकन पास छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से कौन सा रास्ता अलग करता है, तो ये डंकन पास। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि। इसका पाक नाम सुनके आप भारत और पाकिस्तान मत लगा देना, क्योंकि ये पाक जल डमरू या फिर पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य की एक जल संधि है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी द्वारा। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा साम्राज्य में बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे खाड़ी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को खाड़ी द्वीप भी कहा जाता है, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
आपको बता दें कि इस भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी और इसका काम देश भर के इलाकों को खोजना और उनका मानचित्रण करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर को, क्योंकि श्रीनगर उष्णकटिबंधीय इलाके से काफी दूर है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है? इंग्लिश में रीड कीजिए और आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। आपको बता दें कि जून 2015 में सीमा क्षेत्रों की अदला बदली समझौता हुआ, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें 111 क्षेत्रों को भारत ने बांग्लादेश को दिया और 51 क्षेत्रों को बांग्लादेश ने भारत को दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर को। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 द्वीप समूह हैं। यह अरब सागर में है और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, गद्दीदार चोटी अथवा सैंडल पीक चोटी कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। कभी कभी सिर्फ उत्तरी अंडमान ना लिखकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी लिखा सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक चोटी। और आपको बता दें कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और इसी चोटी से कल्पांग नदी निकलती है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि कल्पांग नदी कहाँ बहती है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई मामला बनता है तो वो कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आएगा, यानी उस मामले की सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, अंडमान को निकोबार से कौन सा समुद्री रास्ता अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। नेक्स्ट है, नारकोंडम नामक सुसिप्त ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिएगो गार्सिया में, जो कि चागोस द्वीप समूह पर है, भूमध्य रेखा के ठीक नीचे हिंद महासागर में। तो ये आपके भारत के सामान्य भूगोल से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे पिछले सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको YouTube चैनल शिक्षा मित्र दोस्त पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको ये भारत के भूगोल की एक न्यू सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।